तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जो कि आपके डेटा को एक्सेस करती है और बाद में उसका यूज भी करती है। तो उस ऐप को आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। उस ऐप का नाम है ग्लेंस ऑफ सर्विस। आपको पता होगा अगर आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि लॉक स्क्रीन में जब भी आप अपने मोबाइल को लॉक स्क्रीन करते हैं और लॉक करने का अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो हर बार एक नया वॉलपेपर और एक यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। आप देख रहे होंगे ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेंज भी करेंगे तो कंटिन्यू ये चेंज भी हो जाती है। आप देख रहे होंगे तो इस ऐप्स को कहते हैं ग्लेंस ऑन सर्विस और क्या बोल सकते हैं ग्लेंस ऑन लॉक स्क्रीन। तो ये होता क्या है और ये हर मोबाइल में अलग अलग नाम से रहती है। अगर आप सैमसंग में जाएंगे तो आपको ग्लेंस ऑन सैमसंग मिलेगा या ग्लेंस ऑन लॉक स्क्रीन के नाम से मिलेगा, और कोई दूसरे मोबाइल में जाएंगे तो वहाँ पर ग्लेंस के नाम से मिलेगा, कहीं पे मैगजीन के नाम से मिलेगा और कहीं दूसरे मोबाइल में आपको अलग से मिलता है या आप बोल सकते हैं वहाँ पर आपको नाम से मिलता है। तो ये ऐप करती क्या है, ये ऐप क्या करती है, आपको आपके मोबाइल के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दिखाती है और कुछ दूसरी चीजों के बारे में आपको बताती है, दूसरी चीजों के बारे में आपको बताती रहती है। आप देख रहे हैं ये अलग अलग चीजों के आपके बारे में बताती है। और ये काम कैसे करती है, क्या करती है, जो भी आप अपने मोबाइल में सर्च करते हैं उसके उससे उस डेटा को उठा के और उसके थ्रू आपको मतलब उससे मिलता जुलता आपके पास डेटा बताएगा या उस टाइप की आपको ऐड बताता है। जैसे कि लाइक आपने देखा होगा मेटा डेटा जैसे कहते हैं, ये मेटा डेटा को उठा के उसके हिसाब से आपका एडवर्टाइजमेंट आपको बताता है। एक तो ये काम करता है, ये आपके आईएमई नंबर को भी उठाता है और जिसके आपका डेटा, आपकी डेट्स, आपका नेम और भी बहुत सारी आपकी प्राइवेसी डेटा को ये कलेक्ट करता है। और उसके बाद ये यूज़ कैसे करता है, ये कोई भी थर्ड पार्टी को यूज़ करने के लिए दे देता है, या बोल सकते हैं जो भी थर्ड पार्टी इस डेटा का यूज़ करती है उनको ये दे देता है, जो भी इसका काम है वो करता होगा। अभी एक्चुअल में और क्या करता है, अब अगर आप देखेंगे आपका मोबाइल स्विच ऑफ या अपने मोबाइल को पावर ऑफ, अगर आपने अपने मोबाइल को पावर ऑफ भी करके रखा है तो भी ये बैकग्राउंड में रन करता रहता है। तो बैकग्राउंड में रन कर रहा है तो डेटा भी खा रहा है और आपके मोबाइल की बैटरी भी खा रहा है, कंटिन्यू ये बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। तो आपको मेरे हिसाब से इसको ऑफ कर देना चाहिए जिससे कि आपका डेटा और आपकी प्राइवेसी बनी रहे। तो इसको ऑफ करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में तो इसको ऑफ करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ देख रहे होंगे आपको जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है वॉलपेपर स्टाइल में, यहाँ जाना है ब्राउज माई वॉलपेपर में, या नीचे की तरफ जाएंगे आपको वॉलपेपर सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद ग्लेंस ऑन सैमसंग आप देख रहेंगे जैसा कि ऑन है, आपको इसके यहाँ पर नन करके उसको अप्लाई कर देना है। अभी आपके लॉक स्क्रीन में वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा तो आपका डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, डेटा नहीं कलेक्ट करेगा तो आपका मोबाइल भी साफ सुथरा रहेगा और आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी, डेटा भी नहीं कलेक्ट करेगा तो आपकी बैटरी भी बनेगी, बैटरी भी अच्छी चलेगी और आपका ना नेट एक्सेस करेगा। तो ये ग्लेंस ऑफ सर्विस आपको आजकल के टाइम पे हर मोबाइल पे मिलता है। अगर आप कोई दूसरी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेटिंग पे जाके सर्च मार लेना है ग्लेंस नाम से, मैगजीन नाम से, या फिर लॉक स्क्रीन करके आप डालेंगे तो लॉक स्क्रीन के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा। तो इसको ऑफ कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स और नए टेक्निकल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।